जहां सरकार स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश को साफ सुथरा करना चाहती है। इसके लिए करोड़ों की ग्रांट भी दी जाती है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी इस पूरी योजना पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कैथल के कुतुबपुर और जगदीशपुरा गांव में ऐसा साफ साफ दिखाई दे सकता है। मीडिया के कैमरों ने जब इसका जायजा लिया तो पाया कि गांव में सफाई नाम की कोई चीज नहीं, ना ही नालियों की कोई साफ सफाई हुई है। इस बारे में जब मीडिया ने कैथल के सिटी मजिस्ट्रेट अमित कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला प्रशासन के संज्ञान में है और इसकी विजिलेंस जांच भी चल रही है। जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत ही दिक्कत है, यहाँ ना बाहर तो बैठ सकते, इतने मच्छर और इसमें मच्छियां मर जाए, इतनी सड़ांध होती है, ना बाहर बैठ सकते, ना कुछ, ना बच्चे खेल सकते। एक बार मेरा बच्चा भी गिर गया था इसमें जोड़ में, ना कोई देखता तो ना निकाल पाते इसमें। जी बिल्कुल, खाई गई जोर के तोड़ गया, जी सफाई होनी चाहिए थी जिसको तो खाई गई, जिस दिखाने लग रहा जिस सफाई को नहीं हो रही जी अपने। तो यहाँ पर नाली जो कुरड़िया है, नाली है, उनकी सफाई कितने टाइम समय पहले हुई थी? वो तो कोई पिछले साल हुई होगी, जी थोड़ी बहुत हुई होगी, जीव का तो जमीन बिल्कुल ही नहीं हुई जी, ना मास्टर ये नहीं हुई है जी, बस अपने। ये मामला प्रशासन के संज्ञान में है और इस पे इंक्वायरी हेडक्वार्टर लेवल पे चली हुई है और जो भी जांच में जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और जो भी घोटाला है या नहीं है उसके बारे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। इंक्वायरी जो है बिल्कुल इंक्वायरी स्पष्ट होगी और इंक्वायरी में कोई भी संदेह का विषय नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है। और इंक्वायरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद जो होगा।